11 साल और 8 महीने सड़कों पर संघर्ष किया है और अब युवाओं की जन भावनाओं को समझते हुए ऐलान कर दिया है अब युवा बेरोजगारों की आवाज़ विधानसभा में बुलंद करने का काम हम करेंगे। हालांकि विधानसभा क्षेत्र और पार्टी हमने तय नहीं की, कुछ दिनों में युवाओं से संवाद करके हम तय करेंगे क्योंकि युवा बेरोजगार संवाद 2 अक्टूबर से लगातार जारी है। लेकिन विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर जो लंबित भर्तियाँ, प्रक्रियाधीन भर्तियाँ, नियम संशोधन होना है, जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी विज्ञप्तियाँ जारी हो चुकी है, जिनका एग्जाम होना है, क्या उनको लेकर क्या मंशा है, पेपर लीक को लेकर क्या मंशा है, युवा बेरोजगारों के भविष्य को लेकर उनकी क्या कार्य योजना है, तो उनका घोषणा पत्र तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हम सब लोग निर्णय लेंगे कि कौन सी पार्टी युवाओं के हित में होगी, उसके बाद किस पार्टी से जुड़ना है, विकल्प हमारे पास और भी हैं। तो इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार है, शिक्षित युवा बेरोजगार, और एक व्यक्ति से 5 सदस्य जुड़ते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ युवा होंगे और जीत की चाबी युवाओं के पास होगी, बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। इसलिए युवाओं का प्रतिनिधित्व की हम मांग कर रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी युवाओं को प्रतिनिधित्व दें क्योंकि युवा अपनी आवाज़ सीधी बुलंद कर सके। अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चाहे पार्टी कोई सी भी हो, कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात, कभी अनशन, कभी लाठीचार्ज, कभी रैली, बहुत कुछ संघर्ष करने के बाद मुलाकात हो पाती है। जब जीत की चाबी युवाओं के पास है, सबसे बड़ा वोट बैंक युवाओं का है, तो फिर उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इसलिए युवाओं के दर्द को देखते हुए ऐलान किया कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही, साथ में राजनीतिक पार्टियों से संपर्क करके उन तक उनकी मंशा, उनकी कार्य योजना के बारे में हम जानेंगे कि वो युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, पेपर लीक के लिए क्या कार्य योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए क्या कार्य योजना है। तो उनको जानने के बाद उसके बाद हम युवाओं से जनसंवाद करके हम निर्णय लेंगे किस पार्टी को समर्थन देना है इन चुनाव में और किसके साथ रहना है। देखो, पिछली सरकार का कार्यकाल देखा है, वर्तमान सरकार का कार्यकाल देखा है, और हम जो युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, और संवाद करने के बाद हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि उस पार्टी जब 5 साल सरकार थी उसमें क्या हुआ, इस सरकार में क्या हुआ, और विकल्प हैं उनके साथ जाने से क्या होगा, तो बेहतरीन से बेहतरीन हम निर्णय लेंगे क्योंकि युवा बेरोजगारों का भविष्य का सवाल है। जीत की चाबी युवाओं के पास है ना, मैंने बताया ना, 2 से 2.5 करोड़ वोटर्स जो राजस्थान के युवा हैं वो तय करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, इस बार युवा बेरोजगार जिधर जाएंगे वही पार्टी सत्ता में आएगी, बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। पूरा राजस्थान मेरा है, पूरे राजस्थान के युवा कह रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, वहाँ जाइए, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, लेकिन अभी पार्टी स्थान ये सब जगह हमें जो तय करना है वो युवाओं से संवाद करके कुछ दिनों में हम ऐलान कर देंगे। आप भी संपर्क में जब मेरे पास सबसे बड़ी ताकत मेरे वोटर हैं, मेरे युवा हैं, वो मेरी ताकत है, वो मेरे संपर्क में है, तो सब लोग भी संपर्क में आ जाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है जो सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी, तो युवाओं से मैं संवाद कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 7 जनवरी 2019 से मैं सड़कों पर उतरा था, दिसंबर में सरकार बनी थी, और 9 अक्टूबर 2023 को जब आचार संहिता लग रही थी, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करके बैठा था। कोई भी जो जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता युवाओं की आवाज़ नहीं उठा रहा था, मैं लाठियां खा रहा था, जेल जा रहा था, लेकिन अब युवाओं से पूछ के, जिन्होंने संकट में साथ दिया, जो युवा साथ थे, जो मेरी ताकत है, मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है, उनसे जनसंवाद करके ही अंतिम निर्णय लेंगे कि कहाँ से चुनाव लड़ना है और कौन सी पार्टी से लड़ना है। और युवा यह कहेंगे चुनाव नहीं लड़ना तो उपेंद्र यादव युवाओं के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि युवाओं के हित में फैसला लेना है, युवाओं से जनसंवाद करके अंतिम फैसला लेंगे। कितने दिन में जनसंवाद होगा, कब तक फैसला हो जाएगा? करीब ये 20 से 25 अक्टूबर तक हम फाइनल निर्णय कर पाएंगे। देखो, पिछली सरकार हमने देखी, वर्तमान सरकार हमने देखी, विकल्प हमारे सामने, तो जो युवा संवाद जो हमने चला रखा है, ये केवल यही तुलना करने के लिए कि हमारे लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा। पिछली सरकार में हमने जो देखा, वर्तमान सरकार में देखा, कौन रोजगार दे सकता है, कौन पेपर लीक के लिए बेहतरीन उपाय ढूंढ सकता है, रोकथाम ढूंढ सकता है, कौन ज़्यादा भर्तियों करा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, मेरी युवाओं के मन में एक डर है, जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति होगी क्या उनकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाएगी, जिनकी विज्ञप्ति जारी होगी हो गई, जिनका कैलेंडर जारी होगा, उनके एग्जाम हो पाएगा, जिनकी भर्तियों का नियम संशोधन अधूरा रह गया वो नियम संशोधन हो पाएंगे, जिन विभागों की वित्तीय स्वीकृति मिलना बाकी है, फाइल विभागों में पड़ी, क्या वित्तीय स्वीकृति मिल पाएगी। ये सवाल है, ये सवाल राजनेताओं के पास, विभिन्न दलों के पास जाएगा कि इन सवालों का वो जवाब देते, उसके आधार पर ही हम
पार्टी चयन करने का हम काम करेंगे। 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं।